ईद के मौके पर फिलिस्तीन का झंडा जी बिल्कुल बिल्कुल है। अब बताइए ना कि झारखंड जैसा छोटा राज्य जिसको हम आमतौर पर ट्राइबल स्टेट मानते हैं जिसका न्यूज बहुत कम आता है नेशनल मीडिया में वहां, पे इसी के दिन एक है, वहां जगह हरमू बाईपास में जाम करके उसको बकायदा ट्रैफिक रोक के कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं और वहां पे फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है अब बताइए झारखंड के मुसलमान को फिलिस्तीन का झंडा क्यों लहराना है सिर्फ इस बात को शो करने के लिए मुस्लिम सॉलिडरिटी कि वहां के साथ हम एक हैं और अगर यही चीज बताइए इस देश में अगर हिंदू रामनवमी पे इसराइल का झंडा लेके घूमने लगे तो क्या होगा इस देश में आप सोचिए मतलब मैसेज कैसा देना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं चाहे हमास इसराइल में घुस के मारे पालने में पड़ी बच्चियों को गोलियों से भून दे उन्हें आग लगा दे झुलसा दे महिलाओं को किडनैप करके अपने यहां ले जाए घरों में घुस घुस के मारे लेकिन जब प्रतिकार होगा तो हम अत्याचारी यानी उस घुस के मारने वालों को समर्थन देंगे हम उसका झंडा लहराएंगे क्योंकि वो मुसलमान है मैसेज तो ये है ना नम्रता और वो कहां से मैसेज आ रहा है झारखंड जैसे राज्य से झारखंड के बारे में बार बार बोलता हूं कि झारखंड को जिहादखंड बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है वहां जमशेदपुर से अलकायदा का आतंकी पकड़ा जाता है वहां केरला नेटवर्क से जुड़ा हुआ वो इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी पकड़ा जाता है जिसका आरोप यह है कि वो उसने पुणे में जर्मन बेकरी में ब्लास्ट कराए थे अब बताइए वहां का एक लोहरदगा का आतंकी पकड़ा जाता है उसमें चतरा में पकड़ा गया धनबाद में पकड़े जाते हैं ये सब आईएसआईएस से संबंधित अलकायदा से संबंधित इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित उस ट्राइबल स्टेट में क्या करें जहां जंगल है जंगल के बीच एक गांव बसा के क्यों रह रहे और अगर इनको ऐसा इतना ही प्यारा है ये सारे संगठन तो चले जाए लड़ने के लिए जाए फिलिस्तीन में रोका किसने है लड़िए फिलिस्तीनियों के लिए आप आईएसआई के बहुत बड़े सिंपेर है ना जाओ ना आई एस आई इसके लड़ने के लिए अलकायदा में जाओ भर्ती हो जाओ किसने रोका है लेकिन तुम अगर हमारे झारखंड में रह के यहां गंध मचाओगे तो कानूनी कार्रवाई तो होगी बाबू और होनी भी चाहिए बहुत शांत राज्य है लेकिन इस तरह के कुछ चाहिल गवार सिर्फ इस्लाम के नाम पे क्या गंद मचा रहे हैं उस माहौल खराब कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं वो फिलिस्तीन का झंडा लहराएंगे ईद पे बिल्कुल मतलब झारखंड अभी हाल फिलहाल सियासी गहमा गहमी की वजह से जरूर चर्चा में रहा लेकिन अगर इस तरीके की खबर आती है तो चौंकाती तो है ही बताइए झारखंड से सामने आई इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं